हेलो फ्रेंड्स, मैडम कैसे मैडम मैं बात करने वाला हूँ 2020 रेंज रोवर फेसली वेरियंट के बारे में, जो कि ऑफिशियली जो है वो अनवील्ड हो गई है। एंड मैं बात करने वाला हूँ कि मुझे 2022 रेंज रोवर है फ्रेंड्स, के अंदर में किस तरह के चेंजेस, फ्यूचर्स, वेरिफिकेशन, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड और भी किस तरह के चेंजेस के साथ जो है देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड लैंड रोवर ने कन्फर्म भी कर दिया है कि जल्दी वो अपना PHEV वर्जन भी जो है वो लेके आने वाली है। एंड इसका जो इलेक्ट्रिक वर्जन है वो भी हमें 2023 से लेकर 2024 के बीच में जो है हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो लैंड रोवर ब्रांड है उसने अपनी फिफ्थ जनरेशन रेंज रोवर प्रीमियम SUV जो है वो लॉन्च कर दी है, जो कि हमें MLF Lux न्यू प्लेटफॉर्म पे ही हमें बेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें अपडेटेड डिजाइन एंड काफ़ी सारे पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाली है। एंड अगर मैं इसके एक्सटीरियर के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर हमें क्लीन एंड मिनिमलिस्टिक लुक के साथ हमें एक्सटीरियर में हमें कुछ अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ्रेंड इसके अंदर हमें न्यू सेट ऑफ शार्पर लुकिंग LED हेडलैम्प्स, रीडिजाइन LED टेल लाइट, न्यूली डिजाइन एलॉय व्हील्स जो कि हमें 20 से 23 इंच तक, एंड इसके अंदर हमें स्प्लिट टेल गेट एंड फ्लोटिंग रूफ के साथ हमें ब्लैकआउट पिलर्स भी जो है हमें देखने को मिलेंगे। इंटीरियर चेंजेस के बारे में बात करो तो फ्रेंड इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड 5 सीट कॉन्फ़िगरेशन एंड जो लॉन्गर व्हील बेस वर्जन है उसके अंदर हमें 7 सीट ऑप्शन जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर हमें जो LWB वर्जन है वो हमें स्टैंडर्ड वेरिएंट से 200 mm जितना जो है हमें लॉन्गर देखने को मिलेगा। इंटीरियर फीचर्स के बारे में बात करें तो फ्रेंड इसके अंदर हमें 13.1 इंच का कर्व टास्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि हम इसके सेंटर कंसोल में देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर हमें ब्रांड का लेटेस्ट VV Pro सिस्टम, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो प्ले एंड 11.4 इंच का हमें टच स्क्रीन टैबलेट माउंटेड, जो कि हमें रियर पैसेंजर्स के लिए जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं इसके इंजन ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर हमें 3.0 लीटर 6 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो है हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें 48V हाइब्रिड सिस्टम के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड इसके अंदर हमें 395 BHP का पावर एंड 550 Nm का जो पीक टॉर्क है हमें देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर हमें 3.0 लीटर V6 डीजल इंजन भी देखने को मिलेगा, जो कि हमें ओनली यूरोपियन मार्केट्स के अंदर ही जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड इसके अंदर हमें 296 BHP का पावर एंड 345 BHP का पावर जो है हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें डिपेंडेंट और वेरिएंट्स में जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड इसके अंदर जो टॉप एंड मॉडल में हमें 4.4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि हमें BMW का इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर हमें 523 BHP का पावर एंड 749 Nm का जो पीक टॉर्क है हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल इस कार के अंदर हमें नए चेंजेस देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको बताया, और अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। एंड फ्रेंड इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए वाले हर ऑटोमेटिव वीडियोस के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।